इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों का भेद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ और सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, आबाद रहें, खुश रहें, इस उम्मीद के साथ के आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। कि आज काफ़ी ठंड है, जो लगता है बस बर्फ़ पड़ी हुई है। आज सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, कपड़े धो के डाले मैंने। लुक बाहर अच्छी खासी धूप भी है, ये आज प्लान बना रही हूँ। मेरा छोटा बेटा बड़ा तंग कर रहा है आज, और आज मैं प्लान बना रही हूँ कि आज बाहर चलते हैं, थोड़ी देर पार्क में चलते हैं। आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते मुझे याद आ गया कि चाय रख लूँ साथ, नमाज़ पढ़ी असर का टाइम था और व्लॉग बनाया है। कल मैंने नहीं बनाया तकरीबन मेरे ख्याल से, हाँ लग रहा है मुझे नया नहीं बनाया। तो अभी मेरा एक बच्चे को बुखार हुआ हुआ है, ज़ुकाम हुआ है, तो दुआ करें कि अल्लाह जी उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। काफ़ी ठंड है इतनी कि जिसकी कोई याद नहीं। बच्चा मेरा अभी आया है बाहर से, एक छोटे वाला, कहता है मामा कुछ बनाना है। मैंने कहा दलिया वगैरह बना हुआ है, अभी मैंने बनाया था दिन को देसी, ठहरे एक मिनट, देसी चिकन और ये मटर बनाए हैं। अभी भी कहते हैं कुछ बनाया है, कोई नहीं बनाया है, नखरे नहीं पूरे होते हैं। हीटर भी लगा है, कमरा ही गर्म है, ये वाला ये थोड़ी देर हाथ सेक लेते हैं। वाह सुकून आ गया, कपड़े ये आज चादरें वगैरह धोई हैं, तार के बाहर से लाई हूँ, और बुज़ुर्गों के बर्तन इधर पड़े हैं उठा के ले जाऊँ। टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 4 शाम के बज गए हैं, और मैं व्लॉग बना रही हूँ और खाने में ढेर पड़ा हुआ चीज़ें दब कर। अभी भी कहते हैं कुछ बनाना है, सालन सब्जी बनी हुई है, दही वगैरह है, ये क्या है चिकन है, चटनी है, दूध का सब कुछ पड़ा हुआ है। जैकेट दी थी पहनने के लिए, वो भी नहीं पहन गई, इतने अच्छे बच्चे हैं। इसको बुखार चढ़ा हुआ है तो अल्लाह इसको सेहत दे। ये तोतों की बनी रंग है, रंग भी पक गए, आवाज से कैसे चल रही है, तो दुपट्टा हिल रहा है ना। आज मैं लेटी हुई थी, मुझे अपनी दोस्त याद आ गई जिसके साथ मैं बड़े पंगे लिया करती थी। चाय बन गई है, डाली है इनकी दादू, नमाज पढ़ेंगे उनके लिए फिर डालूंगी। ये इनके दादा की चाय है, आधा कप पीते हैं और आधा कप मैं भी पीती हूँ, बस हाफ हाफ कप। ज़बरदस्त टी है, वाली ट्री में डाल इनको पहले दे आती हूँ। हेलो जी बुजुर्गो, चा मीठा थोड़ा, हाँ मीठा थोड़ा। हाँ मैं अब आपको बताने लगी थी, अपने वो मेरी दोस्त थी ना, हम लोग स्कूल के लाइफ जो बड़े मज़े की होती है, तो स्कूल में ना डेली छुट्टी हुआ करती, नाम उसका मैं नहीं बताऊँगी। स्कूल में थी सेवन्थ एट क्लास में मेरे ख्याल से हम थी, मैं बहुत शरारती का स्टैम्प कर किया करती थी ना उसके साथ। जैसे छुट्टी होती थी जो थोड़ी देर पहले, वो या तो पानी पीने चली जाया करती थी या वॉशरूम में, तो दो तीन दफ़ा मैंने उसके साथ ये किया कि उसकी वो बैग में से किताबें निकाल के अंदर चले जाया करती थी। सर्दियाँ होती थी बाहर बैठा करती थी ग्राउंड में, घास हो जो छोटे छोटे पत्थर डाल दिया करती थी, तो
एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मेरे बैग में उसने डाल दिए पत्थर। फिर मैंने भी कान पकड़े, मैंने कहा तो अल्लाह माफ़ी, अब सारा स्कूल चला गया है और स्कूल खाली हो गया और मैं बाहर बैठी हुई। वो भी मुझे छोड़ के चली गई उससे। मैं कहती है अब आराम है, आपने करना पंगे लेना। एक आ गया है लेके पढ़ के मस्जिद से आ गया है नमाज और कुरान, और एक को बुखार तो बताया था, और एक बेटा छोटा कह रहा था कि हमने जाना है पार्क में, हो सकता है मैं पार्क में जाऊँ और पार्क की वीडियो बना, दो वीडियो हो सकती हैं। और वापस आ गए, बड़े वाला गप्पे मारता हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको मेरे ब्लॉग को देखा करें पूरा, फिर उसको कमेंट कर दिया करें कि मैं कौन किस किस चीज़ का इजाफा करूँ, और साथ जो है ना प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरा बेटा भी कह रहा है कि सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें।